मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र के सभी परिवारजनों का, जिनका लगातार स्नेह और समर्थन मुझे मिलता रहा है, और उसी का प्रतिफल है कि आज पुनः एक बार हमारी पार्टी ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर। जदयू के बाद बीजेपी की तरफ से भी बिहार की 17 सीटों के लिए जो उनके खाते में आई हैं उन पर प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर दिया गया। देर रात भाजपा की पांचवी लिस्ट में बिहार की सभी 17 सीटों पर जो है उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, और इसमें से लगभग सभी लोग रिपीट किए गए हैं, तीन को छोड़ करके। बिहार की सासाराम सीट से छेदी पासवान का टिकट काटा गया है, तो दूसरी तरफ बिहार के बक्सर से जो है अश्विनी चौबे को बे टिकट किया गया है, और साथ ही साथ मुजफ्फरपुर के अजय निषाद को भी बे टिकट किया गया है। बाकी की जो सीटें हैं कुल 14, उन सीटों पर प्रत्याशी को रिपीट किया गया है 13 पर, और एक सीट है नवादा जहां पर विवेक ठाकुर को इस बार भाजपा ने मौका दिया है लोकसभा चुनाव को लेकर के। अब बड़ी बात यह है कि इन तमाम प्रत्याशी के नामों के ऐलान के साथ ही पटना की पाटलिपुत्र सीट से रामकृपाल यादव पर फिर से भाजपा ने भरोसा जताया है। ये तीसरी बार होगा जब रामकृपाल यादव बीजेपी के कमल वाले निशान के चुनावी चिन्ह पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लालू यादव के एक जमाने में बेहद खास और करीबी रहे रामकृपाल यादव ने उस वक्त लालू परिवार का साथ छोड़ दिया था जब उन्हें पाटलिपुत्र सीट से सीट जो है वो टिकट नहीं मिला था और मीसा भारती को वहां पर प्रत्याशी बनाया गया था। रामकृपाल यादव ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में वहां पर शानदार जीत हासिल की। उसके बाद साल 2019 के भी लोकसभा चुनाव में उन्होंने मीसा भारती को उस सीट से चुनाव हराया और वो जीत करके आया। उसके बाद अब 24 की लड़ाई है, 24 की लड़ाई में रामकृपाल यादव जो है उनको फिर से मौका दिया गया है। तो रामकृपाल यादव ने टिकट मिलने के बाद क्या कुछ कहा है, पहले सुनवाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व परम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा साहब का एवं यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, साथ ही साथ राज्य के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने एक बार पुनः पाटलिपुत्र की जनता के सेवा का मौका दिया है। साथ ही साथ मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के सभी परिवारजनों का, जिनका लगातार स्नेह और समर्थन मुझे मिलता रहा है, और उसी का प्रतिफल है कि आज पुनः एक बार हमारी पार्टी ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। तो बता दें आपको कि बीजेपी के सांसद दो सीटें आती हैं, पटना साहिब और पाटलिपुत्र, और इन दोनों सीटों पर प्रत्याशी के नामों का को जो है का ऐलान हुआ है। बीजेपी की लिस्ट में ये दोनों सीटें भी शामिल हैं, और साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि इन दोनों सीटों के हिसाब से अगर देखें तो दोनों जगहों पर प्रत्याशियों को रिपीट किया गया है। पटना की पटना साहिब सीट पर भी कई तरह के सवाल थे, कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, कि कहा जा रहा था कि शायद इस पर ऐसा हो कि प्रत्याशी बदले जाएं, कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने अधिकांश सीटों पर बिहार के जो है उन्हीं लोगों को मौका दिया है जो कि पहले से चुनाव जीत करके आ चुके हैं, यानी कि 2019 में जो प्रत्याशी थे या जो सांसद बन चुके हैं। बड़ी बात यह है कि बीजेपी के खाते में बिहार के 40 एनडीए की सीटों में से जो बंटवारा हुआ है उसमें से बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा कुल 17 सीटें आई हैं। जदयू नंबर दो पर 16 सीटों के साथ है। चिराग पासवान की लोजपा रामविलास जो है वो 5 सीटों के साथ नंबर 3 पर है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो है और जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वो इन दोनों को एक एक सीट दी गई है। बिहार में पिछले बार की लोकसभा चुनाव में एनडीए को 40 में से 39 सीट मिली थी और एक सीट बीजेपी जीतने में कामयाब नहीं हुई थी। इस बार बीजेपी ने बिहार के लिए जो नारा बुलंद किया है वो नारा है अब की बार 40 पार। तो 40ों चाहिए बीजेपी को बिहार से इस बार। एक तरफ जहां कांग्रेस और आरजेडी के बीच में सीटों को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई ऐलान नहीं हुआ है, बीजेपी धराधर करके करके प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर रही है, तो दूसरी तरफ जो है आप जब देखेंगे तस्वीरों को तो समझ पाएंगे किस तरीके से लोकसभा के चुनाव को लेकर के भाजपा ने जदयू के बाद प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर दिया है। चिराग पासवान किसको मौका देने जा रहे हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। चिराग पासवान तो खुद हाजीपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन
जमुई समेत जो बाकी की 4 सीटें उस पर से प्रत्याशी कौन होगा, इस पर भी कई तरह की चर्चा है। फिलहाल ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा गया। इस खबर में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।